क्वेश्चन नंबर 34, डिफरेंसिएट बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसके बीच में मेन डिफरेंस क्या है उसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहला तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कोई भी फूड पार्टिकल से उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होता है और वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है उसी रेस्पिरेशंस को हम एरोबिक रेस्पिरेशंस बुलाते हैं। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो फूड पार्टिकल्स है उसमें ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है उसी रेस्पिरेशंस को हम अनएरोबिक रेस्पिरेशंस बुलाते हैं। मेन डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन अन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक। रेस्पिरेशंस अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। एंड इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। इन एरोबिक रेस्पिरेशंस मेनली प्रोड्यूस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाइल द अनएरोबिक रेस्पिरेशंस अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म। इन एरोबिक रेस्पिरेशंस मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हाइल इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन।